तो दोस्तों, भारत और रूस को लेकर आज एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आई है और जल्द ही अगले महीने भारत और रूस के बीच में एक बहुत बड़ी डील साइन होने वाली है। दरअसल आप सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना 272 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का उपयोग करती है और भारतीय वायुसेना चाहती है कि इन 272 सुखोई 30 MKI में से 150 की संख्या में सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदल दिया जाए, ताकि सुखोई 30 MKI चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट से 4.5वीं पीढ़ी के सुपर सुखोई में तब्दील हो जाए। इससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर आप सभी को पता है कि इस समय रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चक्कर में भारत का यह सुपर सुखोई प्रोग्राम बीच में ही लटका पड़ा हुआ है। परंतु रूस ने हमसे कहा था कि HAL खुद सुपर सुखोई प्रोग्राम में अपने सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदल सकता है, क्योंकि HAL के पास सुखोई 30 MKI के प्रोडक्शन का लाइसेंस है। इसलिए HAL आसानी से ऐसा काम कर सकता है और जो भी मदद हम पे है वो मदद हम किट के रूप में भारत को प्रदान करेंगे। और आज HAL के प्रमुख की तरफ से ऐसी ही जानकारी दी गई है कि 150 की संख्या में जो सुपर सुखोई फाइटर जेट हमको बनाने हैं, उनके सारे उपकरण बनकर तैयार हो चुके हैं। बस रूस से इंजन के कुछ कलपुर्जे आने हैं, जिसके माध्यम से सुखोई 30 MKI के इंजन को और ज्यादा पावरफुल बनाया जाएगा। और इसको लेकर रूस के साथ हम अगले महीने बातचीत स्टार्ट कर देंगे और पेमेंट को पूरी करके यह जो पूरे उपकरण है वो भारत आना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके पश्चात सुखोई 30 MKI की फायर कंट्रोल रडार, नए मिशन कंप्यूटर और इसके अलावा HAL के द्वारा डिजाइन किए गए नए कॉकपिट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को ऐड करके भारत के सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जो भी इंजन से रिलेटेड पुर्जे और इंजन की आवश्यकता होगी वो रूस के द्वारा भारत को पूरी कर दी जाएगी। और ऐसी जो जानकारी है वो HAL के प्रमुख की तरफ से मीडिया पत्रकारों से बात करते हुए कही गई। और इस प्रकार से हमारा सुखोई 30 MKI राफेल की टक्कर का फाइटर जेट बन जाएगा। फिलहाल में मित्र, रूस की तरफ से भारत को जो मदद प्रदान की गई है उसके ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्रयास दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।